अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो जी, आज मेरे किचन में बन रहा है शादियों वाला पालक गोश्त। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, शादियों वाला पालक गोश्त। ये कैसे बनता है, इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं, इतनी आसान रेसिपी मैंने आपको देनी है ना कि आपने हैरान रह जाना कि हैं पालक गोश्त बनाना इतना आसान। तो जी, टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं पालक गोश्त बनाना। सबसे पहले जी, मैंने 4 किलो के जितनी ले ली है पालक, जो के सफाई के बाद और कटिंग के बाद रह गई 2 किलो। ठीक है, अब 2 किलो पालक को सबसे पहले धो लेना है और रेसिपी शुरू करते हैं। पालक हमने कट कर ली है, इसको मैंने 5-6 दफ़ा पानी से धो लिया है, क्योंकि इसके अंदर कोई रेत वगैरह मिट्टी वगैरह होती है तो वो निकल जाएगी। अब हमने इसके अंदर डालना है तकरीबन 2 से 3 ग्लास पानी, और इसके अंदर डाल देनी है ये 10 से 12 हरी मिर्चें, और इसके अंदर हमने नमक वगैरह जो है वो ऐड नहीं करना, और इसको हमने पकने के लिए रख देना है। फिर आगे इसको क्या करना है, ये बिल्कुल देग वाली पालक कैसे तैयार होगी, पालक गोश्त, आपने रेसिपी को एंड तक स्किप किए बगैर देखना है, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाऊंगी। अब हमने इसको ढक्कन लगाकर पकने के लिए रख देना है। ये देखिए, इसके अंदर हमने पानी डाल दिया है, तकरीबन 2 ग्लास के जितना पानी डाल दिया है, और आपने इसको जो है वो अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी देर तक आपने इसको कुक करना है और इसकी क्या फाइनल लुक आएगी पालक अकेली की पकने के बाद। ढक्कन देके हमने इसको तेज आंच पे पका लेना जी। तो ये पालक जो है वो हमारी हो गई है, तकरीबन इसको 20 मिनट हो गए हैं पकते हुए। ठीक है, पहले हमने इसके अंदर नमक वगैरह ऐड नहीं किया था, अब हम इसके अंदर जो है वो 1/4 टीस्पून के जितना नमक ऐड करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक मज़ीद ढक्कन देकर पका लेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें पालक हमारी जो है वो अच्छे तरीके से बॉयल हो चुकी है। अब हम इस तरह मिक्सी का जो है वो जग लेंगे और उसके अंदर हम ये पालक और हरी मिर्चें जो इसके अंदर डाली हुई थी ये हम ट्रांसफ़र करेंगे। पानी हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, और ये देखें ये जो इसका अपना पानी निकला है ये थोड़ा सा हम इसके अंदर से यूज़ करेंगे, बाकी हम वेस्ट कर देंगे। ठीक है, बस इसको हमने जो है वो ग्राइंड करना है। ग्राइंड हमने जो है वो इसको बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में नहीं करना, थोड़ी सी पालक जो है वो हम इस तरह से वैसे ही रख लेंगे, इसको हम जो है वो पेस्ट इसका नहीं बनाएंगे। अब हम चलते हैं गोश्त की तरफ, गोश्त में क्या क्या चीज़ें डालनी है इसको मैं कर लेती हूँ अच्छे तरीके से शेप। जो है वो हमने बॉयल करके उसको हमने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है, उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्राइंड नहीं करना आपने, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा चंक्स रहना चाहिए, बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में आपने नहीं करना। ये मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो के जितना जो है वो बकरे का गोश्त है, मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है, मिक्स आपने जो है वो गोश्त लेना है। ठीक है, उसके साथ साथ हमारे पास जो है वो बैंगन है, 2 अदद मैंने बैंगन लिए हैं। ठीक है, आपने गोल वाले बैंगन यूज़ करने हैं वो करने, लंबे वाले करने हैं लंबे करने, ये मैंने इस तरह के 2 अदद बैंगन जो हैं वो मैंने काट के पानी के अंदर रख लिए हैं। 2 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, और मसाला जात में हमारे पास 4 चीज़ें जाएंगी, 1 टीस्पून के जितनी कसूरी मेथी, 1 टीस्पून के जितनी लाल मिर्च, 1 टीस्पून के जितना नमक, और 1 टीस्पून के जितनी हल्दी, और 2 टीस्पून के जितना मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। तो जी, इसके साथ हमें चाहिए होगा कुकिंग ऑयल। सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल को जो है वो ऐड करेंगे अपने प्रेशर कुकर के अंदर। प्रेशर कुकर के अंदर हमने 3 से 4 टेबल स्पून के जितना कुकिंग ऑयल ऐड कर लेना है। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर डाल लेना है ये गोश्त, ये 1.5 किलो के जितना देखें ये गोश्त है मेरे पास। ठीक है, उसके बाद हमने जो है वो इसके अंदर ये जो बैंगन मैंने पानी में भिगो के रखे हुए हैं, पानी में भिगोने का मकसद ये होता है कि ये काले ना हो। ठीक है, ये हमने बैंगन इसके अंदर डाल देने हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर ये जो 2 मीडियम साइज़ के प्याज कट किए हुए थे ये डाल देने हैं, और ये जो 4 मसाला जात मैंने आपको बताए हैं ये आपने इसके अंदर डाल लेने हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमने इसके अंदर डाल दिए, और अब हम इसको जो है वो थोड़ा सा पानी डाल के, तकरीबन 1 कप पानी डाल के हम इसको गोश्त को कुक करेंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक कुक करें। गोश्त जो है वो इसके अंदर गलने के लिए रख दिया है, 15 मिनट हमने इसको प्रेशर लगाना है, और उसके बाद ये मैंने पतीला जो है एक ले लिया है, इसके अंदर मैं तकरीबन 5 टेबल स्पून के जितना जो है वो कुकिंग ऑयल डालूँगी, और कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसके अंदर ये जो मैंने पालक ग्राइंड की है जो मैंने बॉयल की थी इसको हम इसके अंदर फ्राई करेंगे। ये देखिए
जी इसको हमने आधे घंटे तक हल्की आंच पे फ्राई करना है, यहाँ तक कि पालक जो है वो उसका कच्चापन दूर हो जाए और उसका कलर, ये देखें आपको अभी ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है, तो इसका कलर चेंज होके ब्राउनिश ब्राउनिश सा हो जाएगा। जी व्यूअर्स ये देखें, ये तकरीबन 20 मिनट तक मैंने इसको प्रेशर जो है वो लगाया था। अब ये देखें, ये इसकी कंडीशन है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे और भुनाई करने के बाद जो है वो इसके अंदर क्या डालना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए पालक जो है वो हमारी फ्राई हो रही है, इसको हमने काफ़ी देर फ्राई करना है पालक को। और इसकी टिप जो है वो ये है कि आपने इसको साथ साथ हिलाते रहना है और उसके बाद आपने इसको ढक्कन दे के इस तरह छोड़ देना है। हल्की आपने आँच रखनी है और फिर आपने जो है वो ढक्कन उठा के इसको हिलाना है इस तरीके से। ये देखिए आपने इसको मिक्स कर लेना है। अगर आप ढक्कन नहीं देंगे तो ये जो है ये नीचे लगने का इसको खतरा होगा। देखें ये घी छोड़ रही है। अभी मज़ीद हम इसको 15 से 20 मिनट तक जो है वो फ्राई करेंगे और 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई करते वक्त। और अभी इसको हमने और मज़ीद 15-20 मिनट इसको हमने फ्राई करना है ताकि इसका कलर बिल्कुल, ये जो साइडों पर आपको नज़र आ रहा है ये वाला कलर इसका हमें चाहिए। ये देखिए जी फ्लेम मैंने ऑन कर ली है और इस स्टेज पे आपने देखना है कि ये पानी इसके अंदर है, इसको हमने खुश्क कर लेना है पानी को। जब इसका घी ऊपर आ जाएगा तब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें डालेंगे। अभी ये इसके अंदर हम साबुत गरम मसाला डालेंगे। इसमें मैंने 5 लौंग ली हैं, 10 इसके अंदर काली मिर्चें हैं, 2 बड़ी इलायची हैं और 1 टेबलस्पून के जितना ज़ीरा, ये हमने इस स्टेज पर इसके अंदर ऐड कर देना है। और अब हमने इसको इसकी भुनाई करनी है जब तक कि घी इसका ऊपर आ गया है और इसकी हमने भुनाई अच्छे तरीके से कर ली है। और ये देखें आप पालक का भी जो हमें कलर चाहिए था, जितना हमने इसको फ्राई करना था वो फ्राई हो चुकी है। अब हम पालक को उठाकर इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और साथ में और क्या क्या चीज़ें जाएंगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले इसके अंदर हम जो डालेंगे ये 6 अदद हरी मिर्चें हैं। इस स्टेज के ऊपर आप नमक मिर्च वगैरह टेस्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो कम तो नहीं है, इसलिए मैंने पहले सब चीज़ें कम डाली थी। ये देखें 1 कप के जितनी बलाई इसके अंदर जाएगी, ये आम जो घर के दूध के ऊपर से जो बलाई उतरती है ये वो बलाई है वो डालेंगे हम। और इसके अंदर हम डालेंगे 1 गिलास के जितना दूध। ये देखिए ये बनेगी शादियों वाली पालक गोश्त। जो भी खाएगा आपसे रेसिपी ज़रूर लेगा और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक आपने ज़रूर देना है कॉमेंट सेक्शन में। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर करना है। ये देखिए जी सारी पालक हमने इसके अंदर ऐड कर दी है और हम इसको मिक्स करेंगे और हम इसको दरमियानी आंच पे 10 मिनट तक कुक कर लेंगे। बगैर हमारा रेडी हो चुका है। आप इसको जो है वो ढक्कन बंद करके भी पका सकते हैं, यानी कि आधा ढक्कन बंद और आधा खुला। ये इसके छींटे जो हैं वो स्टेज पर काफ़ी ज़्यादा बाहर आते हैं। ये बिल्कुल रेडी है और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। देखें घी इसने पालक ने छोड़ दिया है सारा, साइडों पे घी आ गया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। पालक गोश्त हमारा रेडी हो गया है, शादियों वाला पालक गोश्त। और ये देखें क्या इसकी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो लुक आई है। और आपने जो है वो ज़रूर 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 ये रेसिपी ट्राई करनी है और मुझे कॉमेंट सेक्शन में आपने फ़ीडबैक देना है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।